Students, as we talked about the board postulates, now we are going to get an explanation of energy, energy levels in hydrogen atom. So for that, we are just trying to solve it. As we know that nucleus and is there and electrons are revolving around it, so there must be a centripetal force that equals to mv square divided by r, and that is equals to electrostatic force acting between those. And plus or क्या है आपका nucleus है, that is a bit of protons and neutrons, and आपका जो electrons है that are revolving, so there will be electrostatic force which is equals to the centripetal force, and that you can write in this fashion. So mv square divided by r equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. इसको solve करोगे तो इतना आएगा, आपको मैंने पहले भी expression बता चुका है. तो एक बोर मॉडल को हमको इसमें फिट करना है. तो कोई कभी भी कोई छोटी सी चीज हमको फिट, जैसे आप जैसे मुझे मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है ना, आप क्या चेंज करते हो, सिम चेंज करते हो ना, है ना, पूरा मोबाइल नहीं चेंज करते ना, उसी पर कहां से पूरा सिस्टम वही रहेगा. लेकिन आप इसमें क्या कर रहे हो, एक टाइप से सपोज करिए बोर मॉडल को फिट कर रहे हो, समझ रहे हो ना, सिम चेंज कर रहे हो, क्लियर. तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस बोर मॉडल, L equals to mvr is equals to nh upon 2 pi, that I already told you in the second postulate. I will explain you in the De Broglie hypothesis, जिसमें De Broglie ने समझाया कि ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड ही क्यों होगा, mvr equals to nh upon 2 pi ही क्यों होगा, उसका आंसर आपको बाद में मिलेगा, after this, ठीक है. So इतना आप ध्यान रखिए कि जो बोर का postulate था उसको हम फिट करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो आपने इससे v की वैल्यू निकाला, v equals to h upon 2 pi mr, और इस वैल्यू को v की, है ना, जो कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग है v की, तो v की वैल्यू आपने इसमें पुट अप किया, और r की वैल्यू आप कैलकुलेट करने जा रहे हो. तो v की वैल्यू जैसे इसमें पुट अप करोगे, n square x square divided by 4 pi square r square r square आ जाएगा, क्लियर. जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये r स्क्वायर जो है, r स्क्वायर सेम तरीके से बना देते हैं, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा. तो आप इसको जब सॉल्व करोगे, तो आपको मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, सॉल्व करते आ जाएगा आपको. तो r इक्वल्स टू आएगा आपका, r विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई mz mz e स्क्वायर, क्लियर. इतना समझ में आया, यहाँ पे तो z रहेगा ना आपका, ठीक है. तो z e square divided by 4 pi epsilon naught r square, clear. So this is what we have got, the value of r. होगी r की वैल्यू निकालोगे ना आप, इसको यहां से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, r इधर शिफ्ट करोगे, बाकी ये वैल्यू इधर शिफ्ट करोगे, आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, एक पाई बचेगा, एक m, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, इधर z इधर आ जाएगा, ये z और e square इधर आ जाएगा, और बाकी n square h square this epsilon naught will shift here. So this is what we have got, है ना, r की वैल्यू हमको मिल गई. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि r की जो डिपेंडेंसी है, that is depending on n square divided by this z. ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखिएगा कि ये r की जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, इसके डिपेंडेंसी, n square divided by z. अब हम टोटल एनर्जी देखना चाहते हैं, तो टोटल एनर्जी क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, यही होता है. तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है 1 / 2 mv स्क्वायर प्लस प्लस की जो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज़ इट इज 1 / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल r, यही होता है, इतना तो पता है आपको, है ना. तो आपने क्या किया, टोटल एनर्जी जो निकाल रहे हो उसके लिए आप एक्सप्रेशन निकाल रहे हो, एंड दिस mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस टर्म, सो यू कैन राइट इज द लाइक दिस. तो दिस विल बी z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, इतना समझ में आ गया. अब फिर इसके बाद देखिए क्या करते हैं. अब आप इसको देखिए, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो दैट विल बी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, बाकी चीज सेम है, और ये z e स्क्वायर भी बाहर निकल आएगा, z e स्क्वायर विल कम आउट, सो ओनली एक्सप्रेशन दैट यू गेट इनसाइड इट 1 / 2 - 1,
1 by 2 minus 1. So that gives you Ze square divided by 8 pi epsilon naught r, yeah, 2 1s are 2, that will be minus, yeah. So this will be minus 1 by 2, so it will be 16. Something like this. यहाँ पे यहाँ एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका फोर्थ निकलेगा ना, ठीक है, फोर निकलेगा, एट कैसे निकलेगा, फोर निकलेगा, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर निकलेगा. तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. इतना समझ में आ गया. तो दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड. हमको मिला टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है दैट इज गोइंग टू बी जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, अब R की वैल्यू बोर मॉडल से हमने जो R की वैल्यू निकाला था, जो R की है ना, तो R की वैल्यू क्या रख देंगे, यहां पर रख दो. जब R की वैल्यू यहां पर रखोगे तो क्या मिलेगा, एक एक्सप्रेशन मिलेगा आपको जो कि किसके बराबर होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R, हम लिख दे रहा हूं ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल R. जब वैल्यू ऑफ स्मॉल R की रखोगे आप तो आपको मिलेगा that is z minus z e square pi mz e square divided by 8 pi epsilon naught n square h square epsilon naught. सीधा सिंपल सा है, आप इसकी वैल्यू सीधे सीधे यहां पर रख दो तो r इज क्या जाएगा, n square h square epsilon naught, और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा पूरा पूरा. ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो आपको मिलेगा E की वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी माइनस एम ई की पावर 4 माइनस एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. इतना समझ में आया, दिस विल बी माइनस एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. इतना समझ में आया. अब देखिए इसको यदि आप सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू जब आप पुट अप करोगे तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल, आई एम राइटिंग ओवर हियर, दैट एक्सप्रेशन विल गिव यू अ वैल्यू. अब यदि आप वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करोगे इसको तो आपको मिलेगा ये वाला टर्म इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर, इतना समझ में आया. तो ये जो बाकी जो एम है दैट इज कॉन्स्टेंट, ई इज कॉन्स्टेंट, सो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ जेड फॉर द हाइड्रोजन, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है आपको, है ना, दिस एच की वैल्यू पता है, सो यू कैन इजीली इवैल्यूएट इट एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. तो ये मोटा मोटा एक्सप्रेशन आप दिमाग में रखिए फॉर द हाइड्रोजन आयन. स्टूडेंट्स, दैट वी हैव दिस एक्सप्रेशन दैट वी हैव गॉट is equals to minus 13.6 divided by n square by solving and by taking into consideration this Bohr model, है ना, Bohr model को consider करने के बाद हमने एक expression निकाला that is equals to this. और यदि हम इसको इसकी डिपेंडेंसी देखें तो दैट इज एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन दिस nth वैल्यू. n वैल्यू इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, n इक्वल्स टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, n इक्वल्स टू 2 इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल्स टू 3 इज अ सेकंड एक्साइटेड स्टेट. सो दैट्स व्हाट वी हैव गॉट एट n इक्वल्स टू इंफिनिटी. व्हेन यू हैव n इक्वल्स टू इंफिनिटी दिस एनर्जी गोज टू 0. ठीक है, मतलब नाउ इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, है ना, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ the electrostatic force because of the nucleus. समझ में आ गया इतना. तो अब यहां पे एक चीज देखिए, यदि सपोज करिए ये आपका this is your nucleus and this is your orbit, electronic orbits. Alright. So now if you have this this is orbit number 1, n equals to 1, n equals to 2, this is n equals to 3. So what are we observing? यहां पे देख पा रहे हैं कि यदि आपका यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है That is more closer to this nucleus. So, यहाँ पे electrostatic force क्या होगा, ज्यादा लगेगा, attractive potential ज्यादा होगा वहाँ पे. तो that's why we have this negative minus 13.6. मतलब यहाँ पे attractive potential क्या है, ज्यादा है. ठीक है, मतलब nucleus से वो ज्यादा तेजी से bound रहेगा, जितना negative value रहेगा मतलब कि आपका nucleus से जो force of attraction है दोनों के बीच में वो बहुत ज्यादा रहेगा. तो energy required to take this electron away from the orbit and हम चाहते हैं कि एनर्जी जीरो हो जाए, है ना, तो हमको इतने ही बराबर एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में देनी पड़ेगी ना, बिकॉज ये तो अंदर की ओर खींचेगा उसको, है ना, मतलब कि एक बॉन्डिंग एनर्जी है. तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का
ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसको तोड़ने के लिए हमको इतने अमाउंट में पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस 13.6, तो ये जाके क्या हो जाएगा, वो फ्री हो पाएगा। समझ रहे आ रहा है? इसी प्रकार से ये प्लस 5.4 देना पड़ेगा इस स्टेट में, यदि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालना है अपने को, अनबाउंड करना है उसको, तो ठीक है। हम चाहते हैं कि न्यूक्लियस से आपका इलेक्ट्रॉन बाउंड ना रहे, तो इसके अमाउंट में पॉजिटिव एनर्जी दे दो, इसकी एनर्जी को क्या कर दो, टोटल जीरो, ठीक है। अब देखो, यदि हम चाहते हैं कि ग्राउंड स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चला जाए, यहां से आपको चाहते हो कि यहां से स्टेट में चला जाए, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, क्या एनर्जी डिफरेंस देखो इन दोनों लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है। तो फर्स्ट इसका एनर्जी लेवल क्या है, देखो E2 - E1 क्या हो जाएगा, E2 - E1 देखो, तो E2 - E1 विल बी दिस -0.1.4, दिस विल बी +13.6, सो इट इज गोइंग टू गिव यू -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से N=1 से आपको N=2 पे ले जाना है, तो आपको इतनी अमाउंट में पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, 10। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब नाउ यदि हम चाहते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट्स ग्राउंड स्टेट से आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचाना चाहते हो, दैट मींस आप E1 से E3 में पहुंचाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू दिस -1.51 प्लस दिस 13.6, so what you get, are getting that is 12.09 something electron volt. So this is the expression कि आपको कितना ionization energy की जरूरत पड़ेगी, या आपको first state से दूसरे state में ले जाना है, दूसरे state से तीसरे state में ले जाना है, so you can evaluate the energy difference between the levels, so that much amount of energy will be required, है ना, इन दोनों levels के बीच में जितनी energy difference होगा that will be your ionization energy, है ना। so that is what we have understood, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। और n equals to infinity पे आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है अनबाउंड हो जाता है, दैट इज फ्री टू मूव, है ना, दैट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर न्यूक्लियस, द अट्रैक्टिव पोटेंशियल दैट इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो नारा, तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल यहाँ पे खत्म हो जाता है जब आपका n equals to infinity। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी लेवल्स, तो एनर्जी लेवल्स इस तरीके से आपके डिसाइड होते हैं। तो आ गया कि आपको कितना है? आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये वाला ध्यान रखिएगा। यस स्टूडेंट्स, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा था, मतलब कि विदाउट पहले जब बोर के पहले जब आपने, मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था बामर फॉर्मूला जो बताया था उसमें, जिसमें सिर्फ बामर ने एक स्वेडिश टीचर थे तो जिन्होंने मतलब कि सिर्फ बामर सीरीज को समझा पाया था जो कि विजिबल रीजन में, लेकिन बाकी के उन्होंने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था, मतलब दैट वाज टोटली मतलब कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं था, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फॉर्मूला दिया, लेकिन उसके अंदर फिनोमेना क्या हो रहा है उसको एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया। तो बोर ने अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल, बोर ने जो अपने मॉडल दिया उसके अकॉर्डिंग, थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, व्हेन एन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट with the quantum number ni to the lower energy state with the quantum number nf, मतलब यदि n equals to 2 से n equals to 1 या फिर n equals to 3 से n equals to 1 में transition, यदि कोई भी आपका electron या फिर atom transition करता है, तो that will give you a photon of energy h nu। समझ आ रहा है कि जब भी कोई भी electron higher energy state से lower energy state पे transition करेगा, that will give you a photon of energy h nu। और यदि और ये यहाँ पे h nu if क्यों लिखा है, क्योंकि that is a difference, है ना, मतलब कि i और f के बीच का मामला है, ठीक है। यहाँ पे तो जितना इन दोनों के बीच का energy difference होगा, that this much will be equals to that, है ना, तो h nu की value इन दोनों के energy के difference के बराबर होगी। तो यदि आप कुछ जो हमने अभी बोर का जो आपने फॉर्मूला निकाला, अभी इसके पहले मैंने स्लाइड में आपका एक फॉर्मूला निकलवाया था एनर्जी का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम उसको लिखना चाहें, तो आप इस m^4/8 ε0² h² इनटू 1/n का स्क्वायर का होता है, 1/n² से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस है, तो 1/nf² - 1/ni² क्लियर। सो नाउ दैट्स व्हाट वी कैन राइट इज that if we have, we can take nf equals to 2 and ni equals to 3, suppose के लिए nf equals to 2 लेते हैं,
फाइनल स्टेट, मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट, मतलब कि योर एन कैन बी 3, 4, 5, 6 इनिशियली एंड आई कैन बी 3, 4, 5, 6 एंड एन एफ इज अन इक्वल्स टू 2. सो इन दैट केस आपको इस बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम ट्रांजिशन कर रहा है, बार्मर ने जब एक्सप्लेन किया था तो ये ट्रांजिशन वगैरह कुछ नहीं समझाया था, उन्होंने सिर्फ फॉर्मूला दे दिया था, ठीक है. लेकिन बोर ने इसको समझाया कि ट्रांजिशन एटम का या फिर इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से हो रहा है, ठीक है. तो कभी भी एटम जब ट्रांजिशन करेगा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर स्टेट में या फिर है ना, तो उस कंडीशन में ही वो फोटोन एमिट करेगा जिसके एनर्जी की वैल्यू इतनी होगी, एनर्जी डिफरेंस के बराबर. क्लियर? तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो एंड दिस इज कॉल्ड द रेडबर्ग फॉर्मूला एंड फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. दिस इज स्पेशली फॉर द हाइड्रोजन एटम व्हिच कंटेन्स ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड अ सिंगल प्रोटॉन. सो इट रिड्यूसेस टू फॉर्म अ सिमिलर बार्मर सीरीज. तो यदि आप इस फॉर्मूले में जो उन्होंने डिराइव किया जिसको बोलता है रेडबर्ग फॉर्मूला, तो इसमें यदि आप वैल्यू पुट अप करते हो तो आपको एक बार्मर सीरीज मिलती है जो कि कुछ एग्जैक्टली मैच करती है किससे, जो बार्मर ने एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था. समझ में आ रहा है? विदाउट एक्सप्लेनेशन उन्होंने फॉर्मूला दिया था, तो एक्सप्लेनेशन के बाद इस फेनोमेना को समझाने के बाद जो एक्सप्रेशन निकाला गया उस वो एग्जैक्टली मैच कर रहा था किससे, बार्मर ने जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था उससे. रिजल्ट जो इसके हैं, जो रिजल्ट मैच कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विद द बार्मर. सो यहाँ पे जो ma की पावर 4 8 पर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब और इनटू c है, दैट इज इक्वल्स टू रेडबर्ग फार्मूला एंड दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट एंड द वैल्यू इट रिड्यूसेस. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इस एक्सपेरिमेंटल के इस बोर मॉडल के अकॉर्डिंग दिस r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.03 रिड्यूस होके 1.03 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स हो जाएगी. लेकिन जो बार्मर ने फॉर्मूला दिया था अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला में, उसका जो वैल्यू था दैट इज आर इक्वल्स टू 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स. सो दैट यू कैन सी मैच इट विद दिस. सो आर इक्वल्स टू दिस एंड आर इक्वल्स टू दैट, दिस टू आर अप्रोक्सीमेटली मैचिंग विद ईच अदर एंड व्हिच इज कॉल्ड, मतलब कि ये जो बार्मर का ने जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था उससे कुछ हद तक ये मैच कर, मतलब मैक्सिमम मैच कर रहा है. ठीक है, देखिए 1.03 और 1.09 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समझे? तो ये उन्होंने जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था बार्मर ने, और ये जो एक्सपेरिमेंटल जो ये बोर ने इसको जो एक्सप्लेनेशन दिया इसका कि ये फिर हमारा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कंडीशन के बाद, तो ये जो रिजल्ट्स हैं जो बार्मर जो बोर ने दिए ये निकाले, दैट इज मैचिंग विद द एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन बाय द बार्मर. सो द एक्सप्लेनेशन वॉज प्रीटी मच वेल गुड. और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है जिसमें क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम की बात की जाती है, वो क्वांटाइज्ड क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन तो बोर ने दे नहीं पाए थे. बोर ने सिर्फ उसका पोस्टुलेट दिया था कि मतलब पोस्टुलेट मतलब कि एक्सपेरिमेंटली बिना प्रूफ किए उसको एक्सप्लेन करना, कुछ सोच के आप इमेजिनेशन के थ्रू अपने उसको एक पोस्टुलेट देते हो कि हाँ इस तरीके से. यस स्टूडेंट्स, इतना तो मामला समझ में आ गया आपको कि आई गोज टू दोनों की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली मैच कर रही है, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो नॉर्मली दिया गया था और जो एक्सप्लेनेशन के बाद दिया गया, तो दैट इज एग्जैक्टली मैचिंग विद ईच अदर. सो द अप्रोक्सीमेट दीज टू एक्सप्रेशंस आर मैचिंग. सो ऐसा मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन है वो लगभग 100% सही है, और जो बार्मर ने जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन दोनों ही एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो आपका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट इज राइट. सो यहां से आप इस फॉर्मूले से आप कई सारे सीरीज यहां पे निकाल सकते हो. यदि एनएफ की वैल्यू जो फाइनल स्टेट है दैट इज 1 और एनआई की वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, 5 कहीं लार्ज नंबर ऑफ स्टेट से यदि ट्रांजिशन होता है इस ग्राउंड स्टेट पे, सो दैट गिव्स यू लाइमन सीरीज दैट लाइज इन द यूवी रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन. और यदि एन इक्वल्स टू 2 फाइनल स्टेट आपका एन इक्वल्स टू 2 है और एनआई की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो जाए n equals to infinity तक, तो जब वहां से ट्रांजिशन होगा that will be a Balmer series that lies in the visible region. और nf equals to आपका 3 रख दो और ni की वैल्यू जो है 4, 5, 6, 7 so on, so it will give you a partial series. And after that, and if you have this nth value that is equals to 4 nf value and ni value is 5, 6, 7 up to infinity, so that gives you this bracket series.
and then after that P fund series is also there. So that is the lies, मतलब कि यदि n equals to आपका n equals to 5 है और फिर n जो ni है 6 7 so P fund series is there, so that also lies in the infinite far infinite region. So these are very important expressions that you have. This is a very important expression given by the Bohr, है ना, to explain the phenomena and this for the hydrogen atom. This is for the hydrogen atom. ध्यान रखिए, ये सिर्फ hydrogen atom के लिए है और कोई दूसरे atom के लिए नहीं है. क्यों लिया hydrogen atom? Because it's a simple atom. It has only one electron and one proton. Easy to understand. ठीक है? और बाकी के जो आप दूसरा एटम कंसीडर करते हो, मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो देखो उनका इंटरेक्शन ही समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, तो एक सिंपल सा आप पहले प्रॉब्लम लेते हैं, फिर उसके बाद ही आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये एक जनरल आइडिया आपको मिल गया. या स्टूडेंट्स, नाउ इट्स यदि हम इसको देखें, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकेंड पोस्टुलेट, दिस इज द टॉपिक. सो बोर ने जो पोस्टुलेट दिया सेकेंड पोस्टुलेट, उसके अकॉर्डिंग ये बात हुई कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, जिस मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है किसी पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और जिसका आपका जो दैट विल बी द इंटेजर मल्टीपल ऑफ एच, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट विल बी इक्वल्स टू द इंटेजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई. ये बात हुई थी. तो बात करने से थोड़ी कोई मान जाएगा भैया, मैं बोलूंगा या कुछ भी बोलूं मैं, तो कोई ऐसे थोड़ी मान लेगा. प्रूफ करके दिखाओ, क्या एक्सप्लेनेशन देके बताओ भैया कैसे होता है, है ना. तो बोर की जो बात थी वो सिर्फ बातों तक सीमित थी, उसका कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था कि ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज ही क्यों होगा और इलेक्ट्रॉन उसी पाथ को क्यों फॉलो करेगा, कि रीजन बताओ अपना व्हाई 1913 में. अब यदि बोर ने जो बात किया कि यदि ये एक ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और ये दूसरा ऑर्बिट है और इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो L1 जो एंगुलर मोमेंटम है इस इलेक्ट्रॉन का, दैट इज M1, दैट इज MV1 R1. ठीक है, और L1 इज इक्वल्स टू H अपॉन 2 पाई, मतलब NH अपॉन 2 पाई, N की वैल्यू 1 है यहां पे, तो H अपॉन 2 पाई. दूसरे के लिए एंगुलर मोमेंटम L2 है, तो मास और V2 इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, V2 R2 इज दिस डिस्टेंस R2 है ना सेंटर से, और इसका जो दैट विल बी इंटीजर मल्टीपल, तो यहां N इक्वल्स टू 2 है, तो दिस विल बी 2H अपॉन 2 पाई, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो ये एक जनरल एक ब्रॉड पिक्चर nth ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, ln equals to nh upon 2 pi या फिर mvn rn equals to nh upon 2 pi for nth ऑर्बिट, for any nth ऑर्बिट. ठीक है, दिस nth ऑर्बिट के लिए, समझ रहे हो. तो इस तरीके से एक बोर ने अपना पोस्टुलेट दिया विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन. सो डी ब्रॉगली केम and he explained after 10 years, he explained that why this angular momentum should be quantized. बहुत interesting है. तो de Broglie की hypothesis आपने पहले पढ़ चुका है कि every charged particle is associated with the matter wave का concept पढ़ा ना आपने, dual nature particle के पास wave, dual nature का concept समझा गया था. तो अब उसको यहीं पे apply करेंगे, उन्होंने ये wave matter waves का concept इसमें डाल दिया. देखो कैसे, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है यदि इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो दैट इज एसोसिएटेड विद अ मैटर वेव एंड दैट हैज वेवलेंथ दैट इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p, ये पता था आपको, और p कैन बी रिटन एज mv. ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वेलोसिटी. सो नाउ ठीक है भैया, इतना तो आप बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है. तो मैं कैसे मान लूं कि आपका ये जो एंगुलर मोमेंटम है क्वांटाइज्ड है. देखिए यहां पे उन्होंने एक स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया, स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट कि यदि सपोज करिए ये दो एक स्ट्रिंग है और ये प्लग्ड है किसी भी दो ये नोड से, तो आपका जो आपका कई तरीके से आपका देखिए स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो सकती है, एक ये भी स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो सकती है और इस तरीके से भी आपका इस नोड से इस नोड तक. ठीक है, और इस तरीके से आपकी स्टैंडिंग वेव 11 चैप्टर में आपने 15 चैप्टर में पढ़ा होगा स्टैंडिंग वेव्स का कांसेप्ट, तो उसको अप्लाई किया इन्होंने, है ना. तो एक स्ट्रिंग मान लो सर्कुलर स्ट्रिंग लिया उन्होंने, है ना, और उसको क्या कर दिया, प्लग कर दिया, है ना, तीनों जगह से, ये जगह से, चलो 1 2 3 4 5 6 जगहों से इसको प्लग कर दिया आपने स्ट्रिंग को, 6 जगहों से एक सर्कुलर रिंग को आपने सर्कुलर वायर समझ लो, कुछ भी समझ लो, इसको प्लग कर दिया, और इसमें जो वेव जनरेट होगी इस नोड से
इस नोड तक, फिर तभी आगे फ्लो होगी ना जब इस तरीके से होगा उसका। स्टैटिक वेव्स का आपका नेचर पता ही आपको है ना कि एक नोड से दूसरे नोड तक जाता है, यहां से यहां तक। तो कितनी वेव हुई, एक दो तीन, ठीक है, तीन वेव हुई, मतलब थ्री लैम्डाज आर देयर, एक पीक से दूसरे पीक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लैम्डा। तो ऐसे कितने लैम्डा है इसमें, तीन, एक दो और एक, जी एक हो गया बता, ये एक यहां से पीक लेते हैं, ठीक है, एक यहां से यहां और दूसरा यहां से यहां और तीसरा यहां से यहां, है ना। तो तीन पीक्स हो गई, एक यहां से यहां और एक यहां से यहां, ठीक है, तो थ्री पीक्स आ रहे, ये वाला पीक एक और एक यहां से यहां, तो तीन लैम्डा हो गए। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, जरूरी थोड़ी है कि तीन ही जगह प्लॉट हो, और भी आपके फोर वेव्स भी हो सकती है और सिंगल वेव्स भी हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट नंबर n इक्वल्स टू 1 पे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है, वो उससे जो मैटर वेव जनरेट हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, दैट इज लैम्डा, दैट इज जितने लैम्डा होगी, मतलब कि 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, है ना। तो ये वाली वेव कहां पे होगी, ये वाली इस टाइप की वेव कहां पे होगी, n इक्वल्स टू 3 पे होगी, जिसमें 3 लैम्डास है, है ना। n इक्वल्स टू पे कितने लैम्डा एसोसिएटेड है मैटर वेव्स, 3 लैम्डा। तो n इक्वल्स टू 3 पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा होगा वो कितने स्टैटिक वेव्स जनरेट करता होगा, 3 लैम्डा की। n इक्वल्स टू 2 पे जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा होगा वो जो मैटर वेव्स जनरेट करेगा वो किस तरीके की होगी, वो 2, उसमें 2 मैटर वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा लैम्डा का, 2 लैम्डा। जो n इक्वल्स टू 1 पे रिवॉल्यूशन कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा। n इक्वल्स टू 4 पे जो रिवॉल्यूशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, that will generate matter waves, that equals to 4 lambda, 4 lambdas generate करेगा। तो इस हिसाब से उन्होंने formula दिया, that मतलब कि क्योंकि ये revolution कर रहा है तो वो पूरा circle complete कर रहा है ना एक बार में, जहां से चालू हुआ वहां से एक बार फिर से आ रहा है, तो that means 2 pi r equals to n lambda लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, 2 pi r एक circle complete कर, circumference कितना होगा 2 pi r, और एक वेव पूरा यहां से यहां तक कितनी है, एक लैम्डा, दो लैम्डा, तीन लैम्डा। डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए मैंने n इक्वल्स टू 3 के लिए समझा दिया आपको, आप डिफरेंट डिफरेंट n इक्वल्स टू 2 के लिए दो वेव, 2 लैम्डा हो जाएगा यहां पे, n इक्वल्स टू 3 के लिए 3 लैम्डा हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 के लिए 1 लैम्डा हो जाएगा। तो मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू जो है मैटर वेव से जो एसोसिएटेड होती है उसको फिट कर दो, तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन एच डिवाइड बाय mv, और अच्छा आ गया भैया। अब बताओ यहां पे mvr इक्वल्स टू क्या हो गया, nh अपॉन 2 पाई आ गया। यही तो पोस्टुलेट दिया था उन्होंने, किसने, बोर्ड ने, कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यही रीजन है कि बिकॉज ऑफ द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल का वेव नेचर के कारण ही ये बता रहा है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। समझ में आ रहा है, तो ये क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट समझाया गया डी ब्रॉगली के द्वारा, उन्होंने किसके थ्रू समझाया इसको, मैटर वेव के कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि डी ब्रॉगली एक्सप्लेन, जो कि बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। समझ में आ गया, तो ये ही कॉन्सेप्ट है जो कि क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एंड व्हिच सेज दैट एंगुलर मोमेंटम, मतलब इलेक्ट्रॉन उसी पाथ को प्रेफर करता है जो कि यहां पे n की वैल्यू से डिसाइड होगी, है ना, कि कौन सा पाथ ट्रेवल करेगा, n इक्वल्स टू 3 पे करेगा कि n इक्वल्स टू 2 पे करेगा कि किस पे करेगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होगा डिपेंडिंग ऑन द वेव इट इज एसोसिएटेड विद, कितने लैम्डा, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा या फिर 4 लैम्डा के वेव एसोसिएटेड है उनके साथ, वो उस तरीके से आपका डिसाइड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ ट्रेवल करेगा। स्टूडेंट्स, एज यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन बाय द डी ब्रॉगली दैट हाउ ही एक्सप्लेन द बोर सेकंड पोस्टुलेट एंड हाउ ही प्रूव दैट द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड बाय द मैटर वेव्स कॉन्सेप्ट, सो इसको थोड़ा आप रीड कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे लिखी हुई है। ये कैसी कंडीशन है, दिस इज क्वांटम कंडीशन, बिकॉज वी आर सेइंग दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, यू नेवर हर्ड अबाउट दैट, सो क्वांटम कंडीशन प्रपोज्ड बाय द बोर फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी सॉ दैट द इक्वेशन इज द बेसिस फॉर एक्सप्लेनिंग द डिस्क्रीट ऑर्बिट
और यही रीजन था कि इसी की वजह से आप वो डी ब्रॉली एक्सप्लेन कर पाए वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का जो कॉन्सेप्ट था, है ना, हाइड्रोजन एटम्स के लिए। ध्यान रखें सर, ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, अभी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीपल कहा जाए तो हाइड्रोजन के अलावा जो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब मतलब कि जिसमें हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल प्रोटॉन है, इसलिए इसकी बात हो रही है। लेकिन जैसे ही आप हीलियम पे जाते हो या फिर उससे हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जाते हो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज मोर देन वन, दैट केस इट इज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं अभी। सो डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर बोर सेकंड पोस्टुलेट फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट। ये तो आप जब थ्योरी आए तो लिख लीजिएगा थोड़ा बहुत। तो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड एनर्जी स्टेट्स आर ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले ही बता दिया इस चीज को, और किसके कारण, रेजोनेंट स्टैंडिंग वेव्स के कारण, है ना। और दिस मॉडल इज एप्लीकेबल टू द हाइड्रोजेनिक एटम्स ओनली, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये मॉडल की एक लिमिटेशन है कि हाइड्रोजन एटम्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है, इट कैन नॉट एक्सटेंड इट इवन मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स सच एज हीलियम, दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये मॉडल, है ना, उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इसके लिए कुछ हम मैं बातें बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के अलावा यदि आपके मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसमें एप्लीकेबल क्यों नहीं हो रहा है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन भी होगा। अब जैसे आपने अभी सिर्फ किसका इंट्रैक्शन लिया है, न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी तो इंट्रैक्शन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन होगा, उस कंडीशन में आपका न्यूक्लियस का इंट्रैक्शन तो होगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ इंट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ इंट्रैक्शन होगा, तो उस केस में आपका सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो ये मॉडल जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। सो क्योंकि यहां पे अभी तो हमने एक इलेक्ट्रिकल फोर्स कंसिडर किया है जो कि किसके बीच में है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, क्योंकि आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, जो कूलम्बिक फोर्स की बात कर रहे हैं उसको सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है दूसरे के ऊपर कूलम्बिक फोर्स, दैट इज नॉट बीइंग कंसिडर्ड और दैट इज रिपल्सिव इन द नेचर। सो दैट वी हैव अंडरस्टूड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है, ध्यान रखिए। और एक ये मॉडल जो है, दिस मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज, है ना, एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इन द स्पेक्ट्रम, इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सम ऑफ द विजिबल फ्रीक्वेंसीज हैव वीक इंटेंसिटी। कुछ फ्रीक्वेंसीज जो थी इसमें वीक इंटेंसिटी आपने देखा होगा, और लास्ट में जब आप पहुंचते हो जैसे लाइमन बार्मर के बाद यदि आप लास्ट में जाते हो सीरीज में, तो आपको इंटेंसिटीज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग दिखाई देती है, तो इसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए कि इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है ना। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द बोर मॉडल, ठीक है, बोर मॉडल की लिमिटेशन थी। और सेकंड पोस्टुलेट को हमने एक्सप्लेन किया, डी ब्रॉग्ली ने एक्सप्लेन किया 1923 में, 1913 में बोर ने ये पोस्टुलेट्स दे दिए थे, लेकिन 10 साल तक इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। 10 साल के बाद डी ब्रॉग्ली ने मैटर वेव्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये बताया कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है।